बॉलीवुड ड्रग्स केस में आया नया मोड़, आइए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि बॉलीवुड ड्रग्स केस में अब आ गया है नया मोड़ और करण जौहर को समन कर दिया है NCB के द्वारा। उनको नोटिस भेज दी गई थी और उस नोटिस का जवाब देना है उनको 18 दिसंबर यानी आज के दिन। अगर वो नहीं देते हैं जवाब तो उन पर आगे की कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ये जो समन्स उनको भेजे गए हैं वो 2019 में उन्होंने जो एक वीडियो पोस्ट किया था सोशल मीडिया पर, और तब बहुत से लोगों ने, यानी कि मेजरली मैं आपको बता दूं कि एक जो दल है उनके मजिंदर सिंह, ये जो है उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था करण जौहर पर कि ये सभी जो लोग हैं, जो भी बॉलीवुड एलिस्टर्स शामिल थे उस पार्टी में, और उनका ये इल्ज़ाम था कि सभी के सभी ड्रग्स ले रहे हैं या फिर ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। हालांकि उस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं दिखा था, पर सभी को ये था कि सभी लोग वहां पर जो मौजूद थे वो सभी ने ड्रग्स का सेवन किया हुआ था। तो अब इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए, इसी सिलसिले में पूछताछ करने के लिए रादर बुलाया गया है करण जौहर को NCB के द्वारा, और अब ये देखना है कि आखिरकार क्या करण जौहर NCB के ऑफिस पहुंचकर अपना जो भी बयान है, उनको जो भी कहना है, क्या वो वहां पर दर्ज करेंगे। क्या कुछ है आपकी राय इस पर, जरूर बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। मैं हूं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा।